हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द फर्स्ट लाइफ पे। हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप, जो आपका सब ग्रुप का टॉपिक है। सब ग्रुप में जो सिलेबस लिखा गया तो उसमें से एक टॉपिक है आपका। तो हम लोग देख रहे हैं नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है, और इसके बाद हम लोग इसका एक थ्योरम देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में यही देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन क्या है। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मल सब ग्रुप, ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। ठीक है, कोई भी ग्रुप है यहाँ पर जी, उसका एक सब ग्रुप ले रहे हैं, उसको क्या कह रहे हैं? एच। अब इस सब ग्रुप को क्या करेंगे, अब इस सब ग्रुप एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे? किसका? इस जी का। इस सब ग्रुप एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे? इस जी का। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ लिखा हुआ है एवरी एक्स बिलोंग्स टू जी एंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, तो ये दो होगा। और उसके बाद यहाँ पर क्या से यहाँ डिफाइन किया हुआ है कि एक्स एक्स इंटू स्मॉल एच इंटू एक्स का इन्वर्स, ये आपका एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करेगा? एच से। ठीक है, दो बात। पहला बात क्या होना चाहिए नॉर्मल सब ग्रुप के लिए? सबसे पहले एक ग्रुप होगा। ठीक है, एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप का हम लोग एक सब ग्रुप लेंगे और उस सब ग्रुप को H मान ले रहे हैं हम लोग, उस सब ग्रुप को H मान ले रहे हैं। और इस सब ग्रुप H को नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे? इस ग्रुप G का। इस सब ग्रुप H को नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे? इस ग्रुप G का, जब कोई एलिमेंट X लेंगे कहाँ से बिलोंग करेगा? G में। और एक एलिमेंट लेंगे स्मॉल h, जो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए? कैपिटल H में। और उसके बाद अगर X इंटू स्मॉल एच, एक्स इंटू स्मॉल एच इंटू एक्स का इन्वर्स, ये सारा का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म अगर इस एच में बिलोंग कर जाए, अगर इस एच में बिलोंग कर जाए, डेट इस सब ग्रुप में बिलोंग कर जाए, तो आपका ये एच जो होगा सब ग्रुप एच, ये एच जो आपका सब ग्रुप है, इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। किसका नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे? जी का। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं कि क्या हुआ सब नॉर्मल सब ग्रुप क्या होगा। ये सबसे पहले एक ग्रुप होगा, ठीक है, उस ग्रुप का एक सब ग्रुप लिए H, एक ग्रुप होगा, एक ग्रुप का अगर हम लोग सब ग्रुप लिए H, अब क्या कहेंगे? इस H, ये जो H है, इसको नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे? इस ग्रुप G का, जब एक एलिमेंट X बिलोंग करेगा कहाँ से? G से। और एक एलिमेंट स्मॉल h कहाँ से बिलोंग करेगा? कैपिटल H से। और उसका कंपोजिशन किस तरह से डिफाइन होगा? स्मॉल एच स्मॉल ये एक्स इंटू स्मॉल एच इंटू एक्स का इन्वर्स, ये सारा बिलोंग कहाँ से करना चाहिए? एच। और एच क्या है आपका? एच यहाँ पर क्या है? सब ग्रुप से। ये एलिमेंट अगर आपका इस एच सब ग्रुप से बिलोंग कर जाएगा, तो हम लोग इस एच को क्या बोलेंगे? नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। किसका नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे? इस ग्रुप जी का। उम्मीद है कि जो यहाँ तक जो बात किए हैं वो आप लोगों को समझ में आया हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे क्या लिखा हुआ है? फ्रॉम अबव डेफिनेशन वी कंक्लूड दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ। अबव डेफिनेशन वी कंक्लूड दैट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इफ लिखने का तरीका है, आप लोग इसको इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम लोग ऊपर में क्या देखें? अबव डेफिनेशन से क्या हम लोग देखें यहाँ पर? वी कंक्लूड डेट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एक्स इंटू कैपिटल एच इंटू एक्स इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल एच। यहाँ देखिए, यहाँ जो स्मॉल एच है, स्मॉल एच वो किसका एलिमेंट है? कैपिटल एच का एलिमेंट है। यहाँ स्मॉल एच की जगह पे कैपिटल एच का कोई भी एलिमेंट रख सकते हैं, डेट इज़ कैपिटल एच का सारा एलिमेंट हो सकता है। तो ये स्मॉल एच की जगह पे हम लोग डायरेक्ट कैपिटल एच रख सकते हैं ना। जब हम लोग स्मॉल एच, जो स्मॉल एच एलिमेंट है वो कैपिटल एच का है, और इस कैपिटल एच का सारे एलिमेंट को किस तरह से डिनोट कर रहे हैं? स्मॉल एच से। तो डायरेक्ट एलिमेंट ना लिख के हम लोग, जब इसका एच का सारा एलिमेंट हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, स्मॉल एच आपका कैपिटल एच का सारा एलिमेंट वहाँ डिनोट कर रहा है, तो स्मॉल एच ना लिख के अगर हम लोग यहाँ कैपिटल एच लिखें, एक्स इंटू कैपिटल एच इंटू एक्स का इनवर्स, ठीक है, ये बात लिखे। अब देखिए, ये जो एलिमेंट है कहाँ बिलोंग कर रहा है? इस कैपिटल एच में। ये एलिमेंट आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? कैपिटल एच में बिलोंग कर रहा है। तो जब कोई एलिमेंट एक कोई सेट में बिलोंग कर रहा है,
तो जो वो एलिमेंट होगा वो किसका, देखिए एग्जांपल से समझ सकते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर h इक्वल टू मान लिए 1, 2, 3, ठीक है, और एक सेट अगर मान ले क्या 2, ये चीज कर ली, या एक सेट क्या मान ली 2 मान ली। अब एलिमेंट देखिए, 2 एलिमेंट आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, h से। ये 2 एलिमेंट s में बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन h में ही बिलोंग कर रहा है। ये जो 2 एलिमेंट है आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये 2 एलिमेंट किस सेट के बराबर है, s के बराबर है। ये 2 एलिमेंट किस सेट के बराबर है, s सेट के बराबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, s इज अ सबसेट ऑफ h, s इज अ सबसेट ऑफ h। ये बात तो हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ 2 एलिमेंट कैपिटल H से तो बिलोंग कर रहा है, ये 2 एलिमेंट जो है कैपिटल H का, कैपिटल H से तो बिलोंग कर रहा है, ठीक है। और ये 2 एलिमेंट किसका यहाँ पर है, S का ही मेंबर है। 2 एलिमेंट जो यहाँ किसका किसका मेंबर है, S का भी मेंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ये ना लिखे, अगर S बराबर क्या लिखे, S बराबर अगर यहाँ 2 लिखे, S बराबर हम लोग क्या, हम लोग यहाँ 2 लिखें, दैट इज़ यहाँ क्या हो जाएगा, S बिलोंग्स टू H। तो S तो आपका कोई एक सेट है जिसमें से सिर्फ एक ही एलिमेंट है जो क्या है 2 है, और वो आपका कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इस H में। तो जब यहाँ पर एक S कोई सेट मिल गया जो इस H से बिलोंग कर रहा है, दैट इज़ यहाँ पर क्या होगा, S आपका क्या हो जाएगा, सबसेट भी है इस H का। क्यों, क्योंकि S में एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट H में बिलोंग कर रहा है। तो कायदे से अगर यहाँ देखें तो S क्या होगा, आपका सबसेट होगा H का। S क्या होगा, सबसेट होगा आपका H का। तो एक एलिमेंट 2 था जो आपका H से बिलोंग कर रहा था, और ये एलिमेंट आपका S में भी था। तो ये S जो सेट S है वो H में बिलोंग करेगा, ठीक है। जो सेट S है वो आपका H में बिलोंग करेगा। जब ये सेट S आपका H में बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सारा, ये सेट का एलिमेंट सारा किस में है, H में है। तो हम लोग कह सकते हैं कि S इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल H, ठीक है। S इज अ सबसेट ऑफ कैपिटल H। वही बात यहाँ पर है, जब यहाँ पर x इंटू स्मॉल h इंटू एक्स इनवर्स आपका बिलोंग कर रहा है कहाँ से, कैपिटल H से, और जहाँ स्मॉल h क्या है, सारा का सारा कैपिटल H का मेम्बर है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स इनवर्स किसका सबसेट हो जाएगा, कैपिटल H का, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हुआ होगा। यहाँ पर सिमिलरली हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सिर्फ स्मॉल h की जगह कैपिटल H कर दे रहे हैं, क्योंकि स्मॉल h सारा का सारा एलिमेंट है किसका, कैपिटल H का, और इसको सबसेट बता दे रहे हैं H का। जब ये एलिमेंट इस H में बिलोंग कर रहा है, जब ये एलिमेंट इस H में बिलोंग कर रहा है, तो इस एलिमेंट से बनने वाला सेट भी क्या होगा, इस H में बिलोंग हो कर सकता है, ठीक है। आगे देख रहे हैं क्या लिखा है, नोट में क्या लिखा हुआ है, एवरी ग्रुप जी possesses at least 2 normal subgroup, namely G itself and the subgroup consisting of the identity element G alone, ठीक है। These are called improper subgroup। बात क्या है यहाँ पर कि अगर कोई भी ग्रुप क्या करता है, यहाँ पर एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप कंटेन करता है, क्या कंटेन करता है, कम से कम 2 नॉर्मल सब ग्रुप कंटेन करता है। पहला क्या, ये खुद होगा, और दूसरा क्या होगा, ये आइडेंटिटी होगा। मान लीजिए इस ग्रुप में अगर नॉर्मल सब ग्रुप है, और यही ग्रुप फिर से ले रही है, तो ये खुद का क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, एवरी ग्रुप जी पोजेज एटलीस्ट टू नॉर्मल सब ग्रुप नेमली जी इट सेल्फ। जी अपने आप का तो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। मान लीजिए ये जो ग्रुप है आपका, इसमें नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ये अपने आप का जी, तो अपने आप में तो क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप तो होगा ही, ठीक है। एंड और एक सब ग्रुप बना ली जिसमें क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। लिखा हुआ है कि फाइनली जो आपका नोट में लिखा हुआ कि एवरी ग्रुप जी पोजेस एटलीस्ट 2 नॉर्मल सब ग्रुप, नेमली जी इटसेल्फ एंड द ग्रुप कंसिस्टिंग ऑफ द आइडेंटिटी एलिमेंट ई अलोन। ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी ग्रुप होगा वो क्या होगा, उस ग्रुप में कम से कम दो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। पहला वो जी खुद नॉर्मल सब ग्रुप होगा और एक सब ग्रुप जो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट को कंटेन करे, वो भी क्या होगा, आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो
यही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई भी ग्रुप अगर जी है तो ये जी क्या होगा, इस जी में कम से कम दो ठो क्या होगा, दो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा, पहला जी खुद होगा और दूसरा एच जो सब ग्रुप होगा, और जिसमें एलिमेंट क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी होगा, ये भी क्या होगा आपका नॉर्मल सब ग्रुप होगा। और यही दो चीज़ को क्या बोलते हैं हम लोग, इम्प्रॉपर सब ग्रुप, या लिखा हुआ है दीज आर कॉल्ड इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, और यही दो चीज़ को क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप, इसी को क्या बोलते हैं इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप। तो अगर एग्जामिनेशन में आप लोग को इम्प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप का डेफिनेशन आए तो आप लोग ये नोट वाला बात ही लिखेंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग एक थ्योरम देखेंगे, और वो थ्योरम देखते हैं हम लोग क्या है, थ्योरम देख रहे हैं, और थ्योरम क्या है उसका इसका स्टेटमेंट आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, ठीक है, कोई भी ग्रुप जी का एक सब ग्रुप यहाँ दिया हुआ है क्या, एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, और इस एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे, इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। यहाँ दो चीज़ बात क्या होगी, एक सब ग्रुप आपका एच दिया हुआ है, और उस एच को नॉर्मल सब ग्रुप कब कहेंगे जी का, जब उस सब ग्रुप से हम लोग कोसेट को जनरेट करें और वो कोसेट राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों बराबर हो जाए, तब हम लोग उस एच को क्या कहेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी का, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ एक टर्म क्या, इफ एंड ओनली इफ, क्या लिखा हुआ है, इफ एंड ओनली इफ। तो इसमें क्या क्या होता है कि हम लोग एक स्टेटमेंट के आधे पार्ट को हम लोग मान लेते हैं और जो बचा हुआ पार्ट रहता है उसको प्रूफ कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ए सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये स्टेटमेंट है इस पार्ट का। और उसके बाद क्या लिखा हुआ है, इफ ईच राइट कोसेट ऑफ एच इन जी इज इक्वल इज अ इफ ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोले कि हम लोग क्या लिखें कि इफ़ एंड ओनली इफ़ का कहने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट को हम लोग मान के दूसरा स्टेटमेंट क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो हम लोग इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या मान लेते हैं हम लोग खुद से कि एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, और ये चीज़ मान कर हम लोग ये दिखा देंगे कि उस एच से जनरेट होने वाला लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो पहला काम क्या करेंगे हम लोग कि एच को नॉर्मल सब ग्रुप मानेंगे किसका, जी का, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और प्रूफ करेंगे कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट दोनों क्या होता है, बराबर होता है। लेट एच इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच क्या है आपका, नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, जी का। अब ये जब ये नॉर्मल सब ग्रुप है, तो अभी नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ने से पहले कुछ देर पहले हम एक डेफिनेशन बताए थे, एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स ये सबसेट होगा किसका, कैपिटल एच का। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स बराबर एच। तो ये रिजल्ट आपका एक थ्योरम से प्रूव किया हुआ है, और ये रिजल्ट कैसे आता है, ये चीज़ तो हम लोग मान चुके हैं, एक्स इंटू कैपिटल एच इंटू एक्स इनवर्स इज ए सबसेट ऑफ एच। और उस थ्योरम में क्या क्या करते हैं कि एच को भी दिखा देते हैं क्या कि सबसेट होगा इसका, ठीक है। तो जब ये एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स सबसेट हो गया एच का, और एच को भी इसका सबसेट दिखा दिए, इसका मतलब ये दो चीज़ क्या हो गया, बराबर हो जाता है। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही काम यहाँ क्या हुआ, ये एक थ्योरम से प्रूफ किया गया है, वो आप लोग को नहीं पढ़ना है, तो उसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, अगर एच को अगर हम नॉर्मल सब ग्रुप माने किसका, जी का, तो हम लोग ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और रिजल्ट क्या है, एक्स इंटू एच इंटू एक्स इनवर्स इक्वल टू एच, ये रिजल्ट है, ठीक है। अब क्या किए इसमें आपका, हम लोग क्या किए यहाँ पर, राइट साइड से क्या किए, एच को मल्टीप्लाई किए, क्या कर रहे हैं, राइट साइड से एच को नहीं, राइट साइड से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और वो एक्स कहाँ का मेंबर है, जी का, राइट साइड को एक्स, राइट साइड से एक्स को मल्टीप्लाई किए। अब देखिए ये टर्म एक ब्रैकेट में एक्स को मल्टीप्लाई किए तो रहने दिए एच इंटू एक्स, ये जैसे का तैसे है। अब ये एक्स एच ये अलग कर दिए, और एक्स इनवर्स इंटू एक्स ये एक साथ रहने दिए, और यहाँ जी का दी, ठीक है, एक्स इंटू एच ये रहने दिए। इन एलिमेंट और उसका इनवर्स का रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। एलिमेंट और उसके इनवर्स का रिजल्ट क्या होता है, आइडेंटिटी होता है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। और इंटू एच को एक्स इंटू एच रहने दिए। अब यहाँ पर क्या है, एक्स एच अब को किसी भी कोई भी सेट या एलिमेंट को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, वही रह जाता है। तो एक्स एच को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये क्या रहेगा,
वही रह जाएगा, एक्स एच ही हो जाएगा। एक्स एच किसके बराबर है, एच एक्स के बराबर हो गया। तो हम लोग क्या माने थे कि एच आपका एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा, और हम लोग दिखा दिए क्या कि एच से जनरेट होने वाला राइट क्या है, लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट क्या दोनों बराबर हो गया। वही बात लिखा हुआ है, ईच लेफ्ट कोसेट एच एक्स इज द राइट कोसेट एच एक्स, सॉरी ईच लेफ्ट कोसेट एक्स एच इज अ राइट कोसेट एच एक्स। ठीक है, प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट है एच एक्स एक्स एच वो आपका क्या है, राइट कोसेट है किसका, एच एक्स का। ठीक है, कन्वर्सली वी सपोजेड, अब हम लोग क्या करते हैं उल्टा मान लेते हैं। अब क्या मानेंगे कि दो राइट कोस, अब क्या मानेंगे हम लोग कि ईच लेफ्ट कोसेट ऑफ एच इन जी इज अ राइट कोसेट ऑफ एच इन जी। अब क्या मान लें कि ईच लेफ्ट कोसेट, जो प्रत्येक जो लेफ्ट कोसेट होगा एच का किस में, जी में, वो आपका राइट कोसेट भी होगा। ठीक है, और हम लोग प्रूफ क्या करेंगे कि ये आपका एच आपका क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। डेट इज ये रिजल्ट प्रूफ कर रहे हैं और मानेंगे कि दोनों कोसेट क्या बराबर होगा। लेट एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, एक्स कोई भी एलिमेंट मान लें किसका, जी का मान लें, यहाँ लिखा हुआ है एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी। देन हम लोग को क्या मानना है कि दो राइट कोसेट को, राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट को बराबर मानना है। एक्स इंटू एच इक्वल टू एक्स एच इंटू वाई, एक्स इंटू एच इक्वल टू एच इंटू वाई, ये आपका लेफ्ट कोसेट है और ये आपका क्या है, राइट कोसेट है। फॉर वाई बिलोंग्स टू जी, फॉर वाई बिलोंग्स टू जी, यहाँ पर हम लोग कोई भी कोसेट के लिए बात कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो कोसेट आपका एक्स से ही दोनों दोनों जगह जनरेट होना चाहिए। कोई भी एलिमेंट, कोई भी ग्रुप के कोई भी नंबर से जनरेट होने वाला कोसेट को हम लोग क्या मान रहे हैं कि राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट क्या होगा, दोनों बराबर होगा। तो यहाँ पर एक्स बी एनी एलिमेंट ऑफ जी, देन एक्स इंटू एच बराबर किसका होगा, एच इंटू वाई, फॉर वाई बिलोंग्स टू जी, ये चीज़ मान ली हम लोग। अब हम लोग जानते हैं जब एच है, जब यहाँ एच क्या है, सब ग्रुप है, सब ग्रुप है मतलब ग्रुप होगा और उसमें तो आइडेंटिटी तो होगा ही। तो ई बिलोंग्स टू कहाँ से, कैपिटल एच से, तो आइडेंटिटी कहाँ से बिलोंग करेगा, कैपिटल एच से। अब दोनों साइड लेफ्ट साइड से क्या कर रहे हैं, एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ई में लेफ्ट साइड से एक्स मल्टीप्लाई किए, ये बिलोंग कहाँ कर रहा है, ई में लेफ्ट साइड से यहाँ पर एक्स मल्टीप्लाई किए, और यहाँ पर भी क्या कर रहे हैं, राइट लेफ्ट साइड से एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक्स ई बिलोंग करेगा कहाँ से, एक्स एच से। ठीक है, बिलोंग कर रहे हैं कहाँ से, एस एक्स एच से। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या किए, राइट लेफ्ट साइड से एक्स को मल्टीप्लाई किया। अब देखिए आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट, डेट इज़ क्या, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एक्स एच इक्वल टू एक्स वाई, हम लोग कहाँ से लिखें, यहाँ से, एक्स एच इक्वल टू एच वाई हम लोग यहाँ से लिखें। तो एक्स अब कहाँ से बिलोंग कर रहा है, एच इंटू वाई। और जब इससे पहले अगर हम जब कोशिश पढ़ाए आप लोग को, जब पढ़ा रहे होंगे तो उससे पहले हम लोग थ्योरम पढ़े थे क्या, कि अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है कोई कोसेट से, एलिमेंट अगर ए कोई कोसेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यहाँ ए क्या है कोई एलिमेंट है और बिलोंग कहाँ से कर रहा है, बी से जनरेट होने वाला राइट कोसेट से, तो क्या हो जाता है इसका रिजल्ट, एच ए बराबर क्या हो जाता है, एच बी बराबर, एच ए बराबर एच बी हो जाता है। अगर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर कोई एलिमेंट ए बिलोंग कर रहा है कहाँ से, बी से जनरेट होने वाला कोसेट से, तो ये रिजल्ट जब जब ये होता है तो हम लोग यहाँ पर क्या किए थे, तो इस तो ये जब ए बिलोंग कर रहा है एच, जब ये ए बिलोंग करता है कहाँ से, बी से जनरेट होने वाला कोसेट से, तो हम लोग डायरेक्ट इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे यहाँ पर। और ये चीज़ हम लोग प्रूफ कर चुके हैं कोसेट जब पढ़ रहे थे तब, तो ए बिलोंग कर रहा है आपका एच बी से, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसके, जब इसका मतलब क्या हो सकता है यहाँ पर, कि एच ए इक्वल टू एच बी, मतलब ए से जनरेट होने वाला राइट कोसेट और बी से जनरेट होने वाला राइट कोसेट दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अगर एक्स कोई एलिमेंट एच वाई से बिलोंग कर रहा है तो एच से जनरेट होने वाला राइट कोसेट और एच से जनरेट होने वाला वाई से जनरेट होने वाला राइट कोसेट दोनों आपस में बराबर होगा, दोनों वो बात यहाँ से लिखा हुआ है। अब एक्स एच इंटू एक्स रहने दिए यहाँ पर, एच इंटू वाई, एच इंटू वाई, एच इंटू वाई किसके बराबर है, एक्स एच के बराबर, एक्स इन एच इंटू वाई किसके बराबर है, बराबर है एक्स एक्स एच इंटू वाई, यहाँ किसके बराबर है, एक्स इंटू एच, तो एच इंटू वाई किसके बराबर हो गया, एक्स इंटू एच। अब क्या किए, राइट साइड से एक्स इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से क्या कर रहे हैं, एक्स इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट साइड से एक्स इन्वर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस एच को हम लोग क्या किए, अब इस एच को क्या कर दीजिए, यहाँ पर अकेले छोड़ दीजिए, ठीक है,
तो अब एक्स इंटू इस एक्स इंटू एक्स का इन्वर्स डेट इज़ आइडेंटिटी, ये एच का एच रहे दिए, ये दोनों का रिजल्ट आइडेंटिटी, एक्स एच हो गया और एक्स इन्वर्स एक्स इन्वर्स। अब आइडेंटिटी को या फिर हम लोग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें या फिर सेट से मल्टीप्लाई करें, दोनों तो दोनों ही केस में क्या हो जाता है, या तो एलिमेंट बचता है या फिर सेट बचता है। तो यहाँ पर एच आपका सेट है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी को जब सेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, सेट ही बचेगा। तो एच इक्वल टू एक्स इंटू एक्स इन्वर्स, तो डेट इज़ क्या, एच इंटू एक्स इन्वर्स बराबर क्या हो गया, एच। तो हम लोग माने क्या थे, राइट कोसेट क्या होगा, सॉरी लेफ्ट कोसेट आपका राइट कोसेट होगा, डेट इज लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट बराबर माने थे। हाँ, बराबर मान के हम लोग क्या दिखा दिए, ये रिजल्ट, और ये रिजल्ट किसके लिए, नॉर्मल सब ग्रुप के लिए। तो वही लिखा रहा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी वी हैव, सारा एक्स जो आपका एलिमेंट, एक्स कोई एलिमेंट जितना भी एलिमेंट है किसका, जी का, तो उसके लिए वी हैव एक्स इंटू एच इंटू एक्स इन्वर्स बराबर एच। ये चीज़ हम, ये रिजल्ट हम लोग ले आए, जब ये रिजल्ट ले आए हम लोग तो क्या हो जाएगा, एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। तो यही था थ्योरम, और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये विद्या गेस का क्वेश्चन है। तो हमारे सारे वीडियो में आप लोगों को विद्या गेस का क्वेश्चन जरूर कराया जा रहा है, जितने ये वीडियो है हम लोग का ग्रुप और सब ग्रुप जितने भी है सब में आप लोगों को विद्या गेस का क्वेश्चन कराया जा रहा है, विथ डिटेल से बताया जा रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, अच्छा रहेगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ इसे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए, इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।